इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर एट और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर नाइन दोनों क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है बहुत ही इजी है इसलिए दोनों क्वेश्चंस को हम इसी वीडियो में सॉल्व कर लेंगे तो चलिए शुरू करते हैं अब देखिए क्वेश्चन नंबर एट है ए बी सी एंड बी डी ई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड बी डी ई इज़ अब चलिए सबसे पहले इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर दो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की बात हो रही है पहला इक्विलेटरल ट्राइंगल है ए बी सी और दूसरा इक्वलेटरल ट्राइंगल है बी डी ई जिसमें डी जो है वो साइड बी का मिड पॉइंट है चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं अब यहां पर एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी सी विच इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ ईच साइड इज इक्वल टू एक्स यूनिट यहां पे देखिए ये है ट्राइंगल ए बी सी अब इस ट्राइंगल की हर साइड जो है वो एक्स यूनिट है ठीक है अब डी जो है वो बी साइड का मिड पॉइंट है तो यह हमने पॉइंट डी ड्रॉ कर लिया। दैट means यहाँ पर देखिए, BD is equal to x by two। अब हम ट्रायंगल BDE को ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहीं पे एक पॉइंट आएगा E। अब E और D को आपस में मिला देंगे, तो ये जो ट्रायंगल होगा BDE, इस ट्रायंगल की हर साइड है x by two unit। Now ट्राइंगल बी सी ए ट्राइंगल बी डी ई ये दोनों ट्राइंगल्स को देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स में यहाँ पर देखिए ये एंगल 60 डिग्री का है ये एंगल 60 डिग्री का है ये एंगल 60 डिग्री का है साथ ही साथ ये एंगल 60 डिग्री का है और ये एंगल भी 60 डिग्री का है दोनों ट्राइंगल्स में सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री के हैं तो दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर होंगे बाई ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया बी सी एज सिमिलर टू ट्राइंगल बी डी ए यहां तक तो समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में सिमिलर हैं तो इनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा देरफो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर यहां पर देखिये ट्राइंगल ए बी सी की हर साइड जो है वो एक्स है और ट्राइंगल बी डी ई की हर साइड जो है वो एक्स बाई टू है अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी फोर इस टू वन तो यहां पर देखिये बुक में देखिए आपके बुक में ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है दैट इज अवर एंसर चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नाइन सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन है साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ फोर इज टू नाइन एरियाज ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर इन द रेशियो बहुत ही ईजी है दो लाइन का क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए जैसे कि हम जानते हैं दैट द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स